हर हर महादेव। आएगा कौन? और बूढ़ों से, हमारे जैसे बूढ़ों से क्या होना, अपने किसी काम के लिए कर लो, कहीं तबादला करवाना हो, कहीं पोस्टिंग करवानी हो, कहीं बिजनेस का काम हो, वो करवा लो उनसे। और हम ही मजबूत नहीं है तो दूसरा ही क्यों मजबूत बनेगा? सबसे पहले अपने बेटे से बता, बहू से बता, बेटी से बता कि लड़की को भगा के ले जाओ और लड़के का कर दो कत्ल। हमारा धर्म कहता है अश्वम नियव गजम नियव व्याग्रम नियव चे नियव चे अजापुत्रम बलिम दधियाद देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती और शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती, केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल पर घातक होता है। सबई सहायक सबल के कोना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को दीपई देत बुझाए। दुनिया में जितनी भी शुभ या अशुभ शक्तियां हैं केवल ताकतवर की सहायता करती हैं, कमजोर की सहायता कोई नहीं करता। आग जो है दीपक को जलाने के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन है, हवा, लेकिन हवा छोटे दीपक को तुरंत बुझा देती है और बड़ी आग को और प्रचंड कर देती है। इसीलिए ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना, और नाग तो बिल्कुल नहीं बनना। हिंदुओं अपने बच्चों को खाने वाला सांप मत बनो। जिनके घर में एक बेटा एक बेटी, उनका तो मुसलमानों ने हिसाब लगा रखा कि लड़की को भगा के ले जाओ और लड़के का कर दो कत्ल। काफिर गलीच ने जो मर कप के खबाया है वो अपने आप उनका हो जाएगा। तो भैया अपने बच्चों को इतना कमजोर बना के अपने बच्चों के लिए सांप मत बनो, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, जो बच्चे पैदा करने की उम्र में नहीं है वो इस बात का प्रचार करो। अपने खुद के बच्चों से कहो, अब हिंदू क्या करता है, हिंदू धर्म का प्रचार करेगा तो पूरी दुनिया में करेगा, अपने घर को छोड़ देगा। शास्त्री जैसा ही होता है नहीं होता, ये तो शास्त्री जी की बड़ी सौभाग्य है कि इन्होंने आपको कथावाचक बनाया, वरना कितने कथावाचक हैं जो अपने बच्चों को कथावाचक बनाते हैं। क्योंकि हिंदू चाहता है दुनिया में धर्म सब जगह हो, और मेरे घर में नेहरू पैदा होना चाहिए। शास्त्री जी ये तुम्हारे पर तुम्हारे पिताजी का एहसान है, अगर तुम्हें पढ़ने भेज देता ना तो तुम्हारा कोई पैर नहीं छूटता, तुम इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते। आज पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में केवल इसलिए है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें धर्म के संस्कार दिए। तो ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है, धर्म की चर्चा सबसे करेंगे। अब बूढ़े लोग हमारी बात सुनकर, बहुत सारे बूढ़े लोग कह रहे हैं जी बच्चे पैदा होने चाहिए। अरे अपने बेटे से बता, सबसे पहले अपने बेटे से बता, बहू से बता, बेटी से बता, अपने घर में बता, दुनिया में बताता मत डोल। पता चला हम अपने घर में अपने बच्चों से तो कहेंगे नहीं और दुनिया से बात करते फिरेंगे। भैया लड़ाई अपने से होती है। दुनिया में हमारा लोग उतने, हमारा धर्म उतना मजबूत होगा जितने हम मजबूत हैं। हम मजबूत हैं तो बाकी लोग भी मजबूत बनेंगे, और हम ही मजबूत नहीं है तो दूसरा ही क्यों मजबूत बनेगा। इसीलिए केवल आपसे इतना ही कहना है, धर्म को बचाइए, अपने परिवारों को बचाइए, अपनी बहन बेटियों को बचाइए, नेताओं का ज्यादा भरोसा मत करो। अपने किसी काम के लिए कर लो, कहीं तबादला करवाना हो, कहीं पोस्टिंग करवानी हो, कहीं बिजनेस का काम हो, वो करवा लो उनसे, लेकिन इस्लाम के जिहाद से मुसलमानों से नेता लड़ेंगे इसका भरोसा मत करना। क्योंकि नेता तो उधर रहेंगे जिधर वोट जाते हैं। अब जैसे हमारे, अगर हमारे कद का कोई मौलाना अगर किस गांव में आया होता तो चाहे इस गांव में दो चार ही परिवार मुसलमानों के होते, लेकिन यहां भीड़ कम से कम दो या चार लाख मुसलमानों की होती, होती केदार ना होती, पक्का होती। अब हम घूमते फिर रहे हैं, कितने आदमी इकट्ठे होते हैं, 50-100। क्यों? क्योंकि घर में है ही नहीं कोई, घर खाली पड़े हुए हैं, आएगा कौन? और बूढ़ों से, हमारे जैसे बूढ़ों से क्या होना, जो होना है वो तो जवान करेंगे ना, और जवान कहीं आसमान से तो टपक नहीं जाएंगे, जवान पैदा करने पड़ेंगे। बालकों मेरी बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। जल्दी शादी करना और ज्यादा बच्चे करना, देने वाला भगवान है, हिंदू की दुर्गति का कारण है। हिंदू को अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, हिंदू को अपने भगवान पे विश्वास नहीं है। अगर भगवान पे विश्वास हो, धर्म पे विश्वास हो, तो कभी ये बात मान लेना
कीड़े को भी भगवान जब पैदा करते हैं ना तो उसके खाने की व्यवस्था करते हैं। और तुम तो आदमी हो, जो मर्द है कभी भूखा नहीं मर सकता। भूखा वो मरता है जो हरामखोर होता है, काम नहीं करना चाहता। हमने 23 साल हो गए एक भी पैसा कमाया नहीं, पर कभी भूखे नहीं मरे। हमेशा भगवान ने व्यवस्था की, हमेशा भगवान ने व्यवस्था की। तो भैया केवल इतना कहने आया हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, और उन बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो आपकी भी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने परिवार की औरतों की रक्षा करें, और भैया जब धर्म को जरूरत हो तो धर्म की भी रक्षा करें। केवल इतना मेरा संदेश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। 3 बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव।